वेलकम गाइस दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मेरे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बस नंबर 044 की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये बस कश्मीरी गेट ISBT से ओखला स्टेशन अब्दुल फैजल इंक्लेव तक जाती है। दोस्तों, ये बस नाइट शिफ्ट में चलाई जाती है। इसके चलाए जाने का समय रात 11:30 बजे है और इस दौरान 60 स्टॉप आते हैं, जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों बस रूट की। तो पहला स्टॉप कश्मीरी गेट ISBT, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है ISBT नित्यानंद मार्ग, इसके बाद जो स्टॉप आता है ISBT ब्रिज, अगला स्टैंड जो आता है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट, अब जो स्टैंड आता है GPO, फिर जो स्टैंड आता है लाल किला। दोस्तों, दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले का निर्माण सन 1639 में प्रख्यात मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से दिया गया है। यह किला दिल्ली के केंद्र में स्थित है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है जामा मस्जिद। ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा सन 1650 और 1656 के बीच बनवाई गई थी, जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। ये मस्जिद लाल और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाई गई है। यह मस्जिद लाल किले से और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर जो स्टॉप आता है सुभाष पार्क, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दिल्ली गेट, इसके बाद जो स्टॉप आता है दिल्ली गेट जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अगला स्टैंड जो आता है लोक नायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल, अब जो स्टैंड आता है जाकिर हुसैन कॉलेज, फिर जो स्टैंड आता है जवाहरलाल नेहरू मार्ग। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है PS कमला मार्केट, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2, इसके बाद जो स्टॉप आता है विवेकानंद मार्ग। दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके DTC और क्लस्टर बसों में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी। आप चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। चार्टर ऐप के बारकोड दिल्ली की हर DTC बसों में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, दिल्ली में नॉन AC और AC बसों के जो डेली पास बनते हैं और महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है, वो भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टॉप आता है शिवाजी पार्क, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सुपर बाजार, इसके बाद जो स्टॉप आता है स्टेटमैन हाउस, अगला स्टैंड जो आता है 12 खंबा मेट्रो, अब जो स्टैंड आता है मॉडर्न स्कूल, इसके बाद जो स्टैंड आता है मंडी हाउस। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है तिलक ब्रिज, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसके बाद जो स्टॉप आता है सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों, दिल्ली मेट्रो कार्ड से भी अगर आप DTC बसों में ट्रेवल करते हैं तो आप कंडक्टर से मेट्रो कार्ड स्कैन करा के भी टिकट ले सकते हैं। फिर जो स्टैंड आता है प्रगति मैदान गेट नंबर 5, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है ITPO ऑफ प्रगति मैदान, इसके बाद जो स्टॉप आता है नेशनल स्टेडियम। दोस्तों, दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC बसों में अगर आप चार्टर ऐप के जरिए टिकट लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगला स्टॉप जो आता है चिड़ियाघर। दोस्तों, चिड़ियाघर दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक जगह है, जो दिल्ली के लोगों के लिए लोकप्रिय वीकेंड और पिकनिक स्पॉट स्थल है। और ये पार्क सन 1959 में स्थापित किया गया था। इस पार्क में शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, भौंसिंह वाले हिरण, दलदली हिरण, भारतीय गेंडे जैसी कई लुप्तप्रिय प्रजातियां आप देख सकते हैं। इस पार्क में वन्य जीवों के लिए आवास तैयार किए गए हैं, जहां आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच स्थित
यह पार्क अपनी फैमिली, बच्चों और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए दिल्ली की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। अब जो स्टैंड आता है सुंदर नगर, फिर जो स्टैंड आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन दरगाह। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है निजामुद्दीन स्टेशन। अगला स्टॉप जो आता है भोगल। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाली DTC बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से फ्री है। अब दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने शहर में काम करने वाले निर्माण क्षेत्रों के मजदूरों को एक अच्छी खबर देने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बस के पास निःशुल्क देने का निर्णय किया है। डिप्टी CM ने कामगारों से कहा कि बस पास मिलने से उनका आने जाने का खर्च बच जाएगा और उस धन को वे अपने परिवार पर खर्च करें, कहीं और बर्बाद ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ कामगारों को बस पास भी दिए हैं। फिर जो स्टॉप आता है आश्रम। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है नेहरू नगर। इसके बाद जो स्टॉप आता है श्रीनिवासपुरी। अगला स्टॉप जो आता है लाजपत नगर क्रॉसिंग। अब जो स्टैंड आता है गड़ी गांव। फिर जो स्टैंड आता है बी ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है सी ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है श्रीनिवासपुरी डिपो SNPD। इसके बाद जो स्टॉप आता है मोदी मिल। दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए हिम्मत प्लस ऐप को अब आप भी अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। यह दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल ऐप है, जिसके कारण यह बाकी ऐपों से बेहतर है। दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम या संकट लगते ही इस ऐप में दिए गए SOS के बटन को दबाएं। ऐसा करते ही आप दिल्ली पुलिस को इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। हिम्मत प्लस ऐप में QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है, जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन, वाहन चालक का नाम, गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे महिलाएं अब और भी ज्यादा सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप बसों में ट्रैवल करते हैं और कोई भी सीनियर सिटीजन या गर्भवती महिला उन बसों में खड़े होकर ट्रैवल करती है, तो दोस्तों हमें अपनी सीट उन्हें देनी चाहिए। बसों में अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ कुछ भी छेड़खानी या गलत करता है तो हमें उसे रोकना चाहिए, और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए हम को नारी शक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 181 और 1091। बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1098। फिर जो स्टॉप आता है मोदी मिल क्रॉसिंग। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है कालकाजी क्रॉसिंग। इसके बाद जो स्टॉप आता है सुखदेव विहार। अगला स्टैंड जो आता है जामिया मिलिया इस्लामिया बस स्टॉप। अब जो स्टैंड आता है अंसारी ऑडिटोरियम। फिर जो स्टैंड आता है जामिया नगर। और दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली की सड़कों पर अब आपको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी, जो दिल्ली के हर एक कोने कोने से चलाई जाएंगी, जिनमें आप और भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम से कम करने की दिशा में दिल्ली की सड़कों पर इन बसों को चलाया जा रहा है। फिर जो स्टॉप आता है बाटला हाउस। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है ओखला गांव टर्मिनल। इसके बाद जो स्टॉप आता है नई बस्ती। अगला स्टॉप जो आता है थोकर नंबर 3 यूनानी हॉस्पिटल। इसके बाद जो स्टॉप आता है अब्दुल फैजल। अब जो स्टैंड आता है थोकर नंबर 5 शाहीन बाग। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के बाहर अन्य किसी शहर ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के दौरान आपने कभी न कभी किसी न किसी दिलचस्प स्टोरी को ज़रूर फेस किया होगा, या आपने ट्रैवल के दौरान किसी भी सीनियर सिटीजन या महिला की हेल्प की होगी, तो दोस्तों अब आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली DTC पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल ID है dillydtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है थोकर नंबर 7 शाहीन बाग। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है AF इंक्लेव थोकर नंबर 8। और दोस्तों, लास्ट स्टॉप जो आता है ओखला स्टेशन अब्दुल फैजल इंक्लेव तक ये बस जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। दोस्तों, DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए।
डीटीसी की नॉन एसी बस का पास 40 रुपए का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के बारकोड के जरिए भी ले सकते हैं। दोस्तों, नॉन एसी बस का पास क्लस्टर और एसी बसों में नहीं चलेगा। एसी बस का किराया है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। इस बस का डेली पास 50 रुपए का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के जरिए भी ले सकते हैं, जो कि डीटीसी की नॉन एसी बस, क्लस्टर बस और एसी बसों में चलेगा। ये पास 12 घंटे तक ही मान्य होता है। दोस्तों, अगली वीडियो आपको जिस बस रूट की चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।